हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम चार्ल्स लैम के फेमस एसे ड्रीम चिल्ड्रन को स्टडी कर रहे हैं। इस एसे को चार्ल्स लैम के कलेक्शन एसेज ऑफ एलिया से लिया गया है। चार्ल्स लैम की बहन को पागलपन के दौरे पड़ते थे, उनका नाम था मैरी। मैरी की देखभाल करने के लिए चार्ल्स लैम ने कभी भी शादी नहीं की और इसीलिए उनके कोई बच्चे नहीं थे। इसीलिए वो बस बच्चों को इमेजिन कर रहे हैं। इसीलिए इस एसे में बच्चों को ड्रीम चिल्ड्रन कहा गया है, क्योंकि चार्ल्स लैम ने उन्हें बस इमेजिन किया है, सच में उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एसे में उन्होंने और क्या बताया है। द एसे इज वन ऑफ एसेज ऑफ एलिया। इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड रिग्रेट फेस्ड बाय द नरेटर। इस एसे में हमें नरेटर ने बताया है कि कैसे उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस की फीलिंग महसूस होती है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए, और जैसे आम लोगों की शादियां होती हैं और उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, वैसे चार्ल्स लैम कभी भी कुछ नहीं कर पाए। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस, द रिलेशनशिप्स एंड द फीलिंग्स दैट हैव बीन पार्ट ऑफ द नरेटर्स पास्ट। तो नरेटर के पास्ट में जो रिलेशनशिप्स थे और उनकी क्या फीलिंग्स थी, उसके बेसिस पर इस एसे को लिखा गया है। जस्ट लाइक ऑल चिल्ड्रन डू, लैम्स चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू हियर देयर पेरेंट्स चाइल्डहुड स्टोरीज। तो यहाँ पर चार्ल्स लैम इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे बाकी के बच्चे अपने पेरेंट्स की बचपन की कहानियों को सुनना चाहते हैं, वैसे ही उनके बच्चे एलिस और जॉन भी अपने बच्चों की कहानियों को सुनना चाहते हैं, और इसीलिए चार्ल्स लैम उन्हें अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं। वन डे ही वॉज टेलिंग देम अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। और इसीलिए एक दिन चार्ल्स लैम उन्हें उन बच्चों को उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में बताते हैं, जो नॉर्फोल्क के बड़े से घर में रहती थी। और फिलहाल वो लोग जिस घर में रह रहे हैं उससे वो घर करीब 100 गुना ज़्यादा बड़ा था। The children had also heard about the tragic incidents that had supposedly taken place at that house. और बच्चों ने उन इंसिडेंट्स के बारे में भी सुना था जो उस घर में हुए, और उनका एक क्रूएल अंकल था और वो कैसे बच्चों को ट्रीट किया करता था। ये सारी चीज़ें चिमनी पीस पर, यानी उस घर में जो चिमनी थी उस पर बनाई हुई थी, लेकिन बाद में उस लकड़ी की चिमनी पीस को एक मार्बल की चिमनी से रिप्लेस कर दिया गया था। और इस तरीके से वो जो स्टोरी थी कि कैसे वो बच्चों को अंकल बहुत इल ट्रीट किया करते थे, वो स्टोरी खो गई थी। उसके बाद फिर लैम बताते हैं कि जो एलिस है, जब उसे ये बताया गया कि वो स्टोरी अब खो गई है, उसे ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। फिर वो ये भी बताते हैं कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंडमदर थी वो बहुत रिलीजियस थी और वो एक अच्छी इंसान थी जिसका सभी लोग रिस्पेक्ट करते थे। वो अपने घर की देखभाल किया करती थी, और उनके मरने के बाद उनके घर के सारे जो पुराने ऑर्नामेंट्स वगैरह थे वो वहाँ से निकाल दिए गए। She was such a good and religious woman that huge number of people attended her funeral. वो इतनी अच्छी औरत थी कि बहुत सारे लोग उनके funeral में आए, यानी जब वो मरी तो उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग आए। और उन्हें सारे साल्ट्री का मतलब होता है क्रिश्चियनिटी के सारे प्रेयर्स बाय हार्ट आती थी, और उन्हें टेस्टामेंट यानी कि बाइबल की सारी स्टोरीज भी याद थी, जिससे पता चलता है कि वो बहुत ही रिलीजियस औरत थी। लेकिन बाद में उन्हें कैंसर जैसी बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी जो एक्टिविटीज़ जैसे वो डांस किया करती थी वो सब बंद कर दिया। लेकिन फिर भी उनके जो स्पिरिट्स यानी कि उनका जो कॉन्फिडेंस था वो कभी भी टूटा नहीं। लैम मेंशंस दैट शी स्लेप्ट इन अ लोन चेंबर ऑफ द ग्रेट लोन हाउस। तो लैम बताते हैं कि कैसे वो एक अकेले घर में रहती थी, अकेले कमरे में, और वहाँ पर दो भूत भी थे जो यहाँ वहाँ घूमा करते थे, लेकिन ग्रैंडमदर को कभी भी डर नहीं लगा। और तब लैम भी वहाँ पर सोया करते थे मेड के साथ। ही मेंशंस दैट ही वाज फार लेस रिलीजियस बट ही नेवर नोटिस द घोस्ट। तो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन घोस्ट को नहीं देखा। और जब वो उन भूतों के बारे में बता रहे थे, घोस्ट के बारे में, तो जो बेटा है जॉन, चार्ल्स लैम का इमेजिनरी बेटा, वो करेजियस बनने की कोशिश करता है, यानी वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है।
लैम्ब ऑल्सो मेंशन दैट शी वॉज वेरी गुड एट हर ग्रैंड चिल्ड्रन. फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से जो ग्रैंड मदर है अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी बहुत अच्छी थी. When he would visit the great house in the holidays, he liked gazing upon bust of 12 Caesars. तो बताते हैं कि कैसे जब वो उस बड़े घर में जाया करते थे तो वहाँ पर 12 मूर्तियाँ थी 12 Caesars. तो सीज़र ग्रीस के एक सीनेटर थे जूलियस सीज़र, उनकी 12 मूर्तियाँ लगी हुई थी, उसको चार्ल्स लैम देखते थे और ये सारी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती थी और उन्हें वहाँ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. फल खाने से भी ज़्यादा अच्छा उन्हें वहाँ टाइम स्पेंड करना लगता था. फिर चाहे वो पीचेस हों, ऑरेंजेस हों, इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को पसंद आती हैं, उन सारी चीज़ों को खाने से ज़्यादा चार्ल्स लैम को उस बड़े से घर में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था. लैम टेल्स दैट द चिल्ड्रंस अंकल जॉन वॉज लाइक पर्टिकुलरली बाय ग्रैंड मदर फील्ड फ्रॉम अमॉन्ग ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन. तो लैम बताते हैं कि कैसे एलिस और उसके भाई के जो अंकल हैं जॉन, उनके अंकल जॉन को जो ग्रैंड मदर फील्ड है वो बहुत पसंद किया करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे. ही वॉज सो स्पिरिटेड दैट वेन द रेस्ट वुड स्पेंड टाइम एट द मैंशन ही वुड राइड अ हॉर्स. तो वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक थे कि जब सभी लोग मैंशन में टाइम स्पेंड किया करते थे वो एक घोड़े को दौड़ाने के लिए जाया करते थे. तो लैम कहते हैं कि वो अपने अंकल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि वो मर चुके हैं. ही मिस द अंकल्स काइंडनेस एज वेल एज क्रॉसनेस. तो वो कहते हैं कि वो अपने अंकल की काइंडनेस को भी और उनकी स्ट्रिक्टनेस को भी मिस करते हैं. द चिल्ड्रन फेल्ट अनकम्फर्टेबल विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंकल एंड अर्ज लैम टू टेल अबाउट देयर प्रिटी डेड मदर. तो जो बच्चे हैं एलिस और जॉन, वो चार्ल्स लैम से कहते हैं कि आप हमें हमारी सुंदर मदर के बारे में बताओ, मदर भी मर चुकी है. तब लैम बताते हैं कि कैसे उन्होंने उनकी मदर को इम्प्रेस करने की कोशिश की. मदर का नाम था एलिस, 7 साल तक वो उसे इम्प्रेस करते रहे. ही ऑल्सो ट्राइड टू क्लैरिफाई टू द चिल्ड्रन हाउ ही फेस्ड प्रॉब्लम्स ड्यू टू हर कॉयनेस एंड डिनाइल. तो वो बच्चों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि कैसे उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई उनकी मदर को कन्विंस करने के लिए, शादी करने के लिए कन्विंस करने के लिए, क्योंकि उनकी मदर मना कर रही थी बार बार, डिनायल यानी मना करना. एट दिस पॉइंट ही नोटिस द स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ एंड दैट ऑफ एलिस. तो वो कहते हैं कि जो एलिस है उनकी बेटी, वो और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी. और उनकी वाइफ का नाम भी एलिस था और इसीलिए आज उनकी जो लड़की है उसका भी नाम एलिस है. तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी वाइफ ही उनसे बात कर रही है एलिस के रूप में. उसके बाद फिर अचानक से चार्ल्स लैम की नींद खुलती है और वो समझ जाते हैं कि जो भी कुछ वो सोच रहे थे वो बस एक सपना था. तो वो अपनी आर्म चेयर में बैठे हुए थे और उनकी नींद खुल जाती है. ही स्टेट्स दैट जेम्स एलिया वॉज नो मोर देयर एंड एवरीथिंग दैट हैज़ बीन मैंशन इन द एसे वॉज बींग डिस्क्राइब बाय एलिया. तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी वो अभी तक बता रहे थे वो सब कुछ जेम्स एलिया, जो उनका काउंटर पार्ट है चार्ल्स लैम का, अपने एसेज वो जेम्स एलिया के नाम से लिखते हैं. तो जेम्स एलिया ही इस पूरे एसे को बता रहा था और अब जेम्स एलिया वहाँ पर नहीं था. द रिस्पॉन्स ऑफ द चिल्ड्रन मेक्स द एसे ड्रामेटिक एंड एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ द एसे ऑन देयर माइंड. तो ये जो एसे है, बच्चों का जो भी रिस्पॉन्स आता है एलिस और जॉन का, उनके रिस्पॉन्स की वजह से ये बहुत ड्रामेटिक बन जाता है. On one hand, their actions make their characteristic features clear. उनके actions की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा clarity आती है. जैसे कि Alice जो है, जब वो सुनती है कि grandmother जो हैं वो चीज़ें रट लिया करती थी, बाहट कर लिया करती थी, तब Alice जो है वो उसे discomfortable महसूस होता है, जिससे पता चलता है कि Alice जो है चीज़ें याद नहीं कर पाती थी क्योंकि वो एक typical child थी और उसे चीज़ें याद करने में डिफ़िकल्टी होती थी. When Lamb told them that he preferred to see things at mansion rather than eating fruits, John put the grapes back. तो जब चार्ल्स लैम बताते हैं कि उन्हें उस मैंशन को, उस बड़े से घर को देखने में मज़ा आता था फल खाने से भी ज़्यादा, तब हम देखते हैं कि जो जॉन है वो इमेजिनरी बेटा, वो जल्दी से ग्रेप्स को फिर से नीचे रख देता है. तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा इनोसेंट थे. These actions on the part of children also show that the children were feeling constantly influenced by their father's description. In actions से हमें पता चलता है कि वो जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा influence हो रहे थे उनके father
उनके फादर जो भी बोल रहे थे उनसे वो कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे. द वे इट इज मेंशन दैट ऑल द डिस्क्रिप्शन थ्रू द एसे वाज बेस्ड मेनली ऑन अ ड्रीम एड्स टू अ सस्पेंस एलिमेंट. और जैसे जब बताया जाता है कि ये सब चीजें जो भी अभी बताई गई वो एक बस एक सपना थी, ड्रीम थी, उससे ये जो एसे है वो और भी ज्यादा सस्पेंसफुल हो जाता है. द एंडिंग मेक्स द एसे इवन मोर साइकोलॉजिकल. और जो एंडिंग है वो और ज्यादा साइकोलॉजिकल हो जाती है. द सरप्राइज एंडिंग ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स द इनएबिलिटी ऑफ लैम टू गेट हिज लव रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली बाय एलिस. और सरप्राइज एंडिंग से ये भी पता चलता है कि कैसे जो लैम है वो एलिस को कन्विंस कर रहे थे शादी के लिए, लेकिन वो कभी भी कन्विंस नहीं हुई. The relationships of the narrator with the grandmother and his brother have been described clearly. और grandmother और brother के बारे में भी clearly बताया गया है. The description has served to clarify characteristic features, develop the theme of family relationships as well as the theme of loss and to make the essay dramatic. इस description से ही ये जो essay है उससे हमें family relationships और अलग अलग थीम्स जैसे लॉस वगैरह के बारे में पता चलता है और इससे ये ऐसे और ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाता है. सो आई होप आपको ये ऐसे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.